आज मैं आप लोगों के साथ दही बैंगन का रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इसलिए मैंने एक बाउल में दही लेके उसको अच्छे से फेंट रही हूँ। उसके बाद मैंने 1 चम्मच भुना हुआ जीरा मिर्च का पाउडर, 2 चम्मच सूखा स्वाद के अनुसार नमक ऐड करके उसको अच्छे से मिला लेती हूँ। उसको अच्छे से मिलाने के बाद मैंने ढंग के उसको साइड करके रख दूँगी। अभी मैंने एक पैन गर्म करके तेल गर्म कर लिया, उसमें थोड़ा सा जीरा एंड मस्टर्ड ऐड करके मैंने बैंगन का लंबा लंबा काट के धो के रखी थी उसको ऐड कर दिया। स्वाद के अनुसार नमक एंड हल्दी ऐड करके मैंने उसका फ्राई कर लेती हूँ। एक लीड लगा के 5 से 6 मिनट तक उसका छोड़ दूंगी। यहाँ पे मेरा 5 से 6 मिनट हो गया, लीड मैंने खोल दिया और बैंगन मेरा पूरा हो चुका है। बीच में मैंने उसको थोड़ा पलट दिया था, तो यहाँ पे मेरा बैंगन को मैंने ठंडा करने के लिए मैंने कुछ समय छोड़ दूंगी। तो ठंडा होने के बाद मैंने जो बाउल में दही को फेंट कर रखी थी उसमें मैंने ऐड कर लेती हूँ। ठंडा होने के बाद ही ऐड करेंगे नहीं तो दही फट जाएगा। एंड उसको अच्छे से मिला लेती हूँ। अभी हम तड़का लगाएंगे। तड़का लगाने के लिए मैं तड़का पैन गरम करके तेल गरम कर लिया, उसमें 5 फुटन लाल मिर्च, कड़ी पत्ता, अदरक ऐड कर दिया। वो भी ठंडा होने के बाद मैंने उसमें ऐड कर देती हूँ। यहाँ पे मेरा दही बैंगन पूरा रेडी हो गया। उसको मैं अच्छे से मिला लेती हूँ सबको, बैंगन दही एंड तड़का जो मैंने तड़का लगाई थी। तो दही बैंगन मेरा पूरा ही रेडी हो चुका है। तो आप लोग भी ये वाला रेसिपी जरूर ट्राई करना। आप लोगों का एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर करना।